bill to be introduced. Sri Ravi Shankar Prasad. Madam, I beg to move for leave to introduce a bill. मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार ने आज संसद में तीन तलाक के खिलाफ बिल को पेश कर दिया। तलाके बिद्दत की प्रथा खत्म करने के लिए लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल पेश किया है, जिसमें तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। बिल का नाम मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017 रखा गया है। बिल को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह ने तैयार किया है। एनडीए सरकार के इस बिल में तीन तलाक को गैर जमानती अपराध करार देते हुए दोषियों को तीन साल तक की कैद की सजा और भारी जुर्माना भरने का भी प्रावधान है। तीन तलाक को हर तरीके से गैर कानूनी करार दिया गया है, जैसे बोलकर या लिखकर या फिर तकनीक जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए दिया गया तीन तलाक भी गैर कानूनी माना जाएगा। बिल में महिला के भरण पोषण, गुजारा भत्ता और नाबालिग बच्चों को रखने का अधिकार भी दिया जाएगा। जुर्माने की रकम और महिलाओं के गुजारा भत्ता के साथ साथ बच्चों के भविष्य को लेकर फैसला मजिस्ट्रेट करेगा। तीन तलाक के खिलाफ बिल के कानून बन जाने की सूरत में इसे मोदी सरकार के लिए सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां तीन तलाक बिल के पक्ष और विपक्ष दोनों ओर नजर आईं। आरजेडी ने बिल का विरोध किया है, हालांकि सरकार ने बिल का विरोध करने वालों को एक बार फिर प्रावधान पढ़ने की सलाह दी है। बिल को मुस्लिम महिलाओं के हित में बताते हुए इसी सत्र में बिल पास होने का भरोसा जताया। आज का दिन ऐतिहासिक है कि तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो परेशानी और पीड़ा हो रही थी उसको एड्रेस करने का जो कानून है वो लोकसभा में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, सदन में चर्चा होगी। कांग्रेस ने जहां बिल के समर्थन करने का भरोसा दिया है, तो साथ ही पार्टी ये भी मानती है कि सरकार प्रस्तावित बिल को और पुख्ता बना सकती है। हालांकि कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि सरकार बिल को लेकर जल्दबाजी कर रही है। सामाजिक संगठनों को विश्वास में लेना चाहिए, परिवार को तोड़ने से बचना चाहिए। बिल्कुल कानून बने, लेकिन ऐसा कानून नहीं बने जो कॉन्ट्रडिक्टरी हो। जो घर में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ये हमारे घरों को तोड़ देगा, हमारे घरों में कलह पैदा कर देगा, तो समाज में सरकार का काम है दिलों को जोड़ना, घरों को जोड़ना। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो तीन तलाक बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन सजा का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के खिलाफ है। सवाल किया कि तीन तलाक का आरोपी शख्स अगर जेल में रहेगा तो फिर तलाक दी गई महिला का भरण पोषण कौन करेगा? ये बीजेपी पार्टी क्या करता है, सामने रखता है कि ये सोशल इशू, पीछे ये पॉलिटिकल इशू करता है, सामने दिखाता है कि मैं सामाजिक काम करते हैं, पिछले ये सियासत करने लगे हैं। तीन तलाक के खिलाफ बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB का सख्त रुख है। बोर्ड पहले ही बिल को वापस लेने की मांग कर चुका है। AIMPLB के मुताबिक बिल के प्रावधान संविधान, शरिया लॉ और महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है, साथ ही बिल को पुरुषों के तलाक देने के अधिकार को छीनने जैसा बताया। पास होगा, किस शेप में पास होगा उस वक्त और किया जाएगा, ये ऑप्शन हमारे सामने है। AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल की आलोचना की है। ओवैसी ने बिल के कड़े प्रावधानों की आलोचना की। साथ ही ओवैसी के मुताबिक अगर किसी पति के लिए अपनी पत्नी को छोड़ना जरूरी हो तो भी वो ऐसा नहीं कर पाएगा, जो पुरुषों के अधिकारों का हनन है। संसद में ओवैसी ने बिल का विरोध किया है। दिस बिल इफ इट इज पास विल बी एन इनजस्टिस टू मुस्लिम वुमेन, विल लीड टू अबैंडनमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन। ज्यादातर मुद्दों पर सरकार की आलोचना करने वाली सहयोगी शिवसेना ने भी तीन तलाक बिल पर सरकार का साथ दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये बिल 50 साल पहले आना चाहिए था। ये वोट बैंक की राजनीति फिर एक बार ये बिल के आधार से हो गई है। मैं मानता हूँ ये देश का एक बहुत बड़ा महिला वर्ग है, मैं उससे धर्म से नहीं मानता हूँ। 50-60 पहले ही बिल आना चाहिए था, जब देश स्वतंत्र हुआ तभी ये बिल आना चाहिए था।
तीन तलाक की प्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 22 अगस्त को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन तलाक को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था, जिसका करोड़ों मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला एक बहादुर महिला शायरा बानो की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था। शायरा बानो ने साल 2016 में तीन तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। हालांकि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद भी अब तक तीन तलाक के कुल 67 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश में हुए। शायरा बानो के साथ साथ चार और महिलाएं भी थीं, जिन्होंने याचिका दाखिल की, जिनमें आफरीन रहमान, इशरत जहां, गुलशन प्रवीण और आतिया साबरी का नाम है। संसद में बिल पेश होने के बाद अब शायरा बानो ने संतोष जाहिर किया है। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जो बिल पारित हुआ है उसके लिए मैं बहुत ही बहुत खुश हूँ और जो अपनी जनरेशन के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। जो जिन पीड़ाओं और दर्दों का सामना हम लोगों को करना पड़ा, हमारी आने वाली जनरेशन उसे आजाद रहेगी और उनका जो जीवन रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी 2016 को तीन तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिका के मामले में देश के अटॉर्नी जनरल से राय मांगी थी। अक्टूबर 2016 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक का विरोध करते हुए इस पर विचार करने की बात कही। 14 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के मुद्दे पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाने का फैसला सुनाया, जिसके बाद 11 मई से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने रोजाना इस पर सुनवाई शुरू की और आखिरकार 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार देने के बड़े फैसले का ऐलान किया। संसद में बिल पेश होने के बाद देश भर में मुस्लिम महिलाओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। जयपुर से लेकर वाराणसी तक, जयपुर में मुस्लिम महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बिल का स्वागत किया तो साथ ही विक्ट्री की साइन भी दिखाई। वाराणसी में भी संसद में बिल पेश होने के वक्त मुस्लिम महिलाओं को टीवी पर नजरें गड़ाए देखा गया। देश की करोड़ों महिलाओं को अब तीन तलाक के खिलाफ कानून बन जाने की पूरी उम्मीद है। तीन तलाक पर बिल संसद में पेश होने के बाद यूपी के मुरादाबाद में AIMPLV के विरोध में मुस्लिम औरतों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। तीन तलाक बंद हो के नारे लगाए गए, पुतले चढ़ाए गए। मुस्लिम महिलाओं ने मांग की कि तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए नौकरी और आवास का इंतजाम करना चाहिए। महिलाओं ने कहा कि बिल जल्द से जल्द कानून बने ताकि तीन तलाक देने वाले पुरुषों को सख्त सजा मिल सके। तीन तलाक को लेकर कानूनी लड़ाई सबसे पहले साल 1978 में सामने आई, जब तलाक के पीड़ित 62 साल की एक महिला शाह बानो ने अदालत में याचिका दाखिल कर CRPC की धारा के तहत खुद और अपने 5 बच्चों के लिए पति से गुजारा भत्ते की मांग की थी। शाह बानो का पति मोहम्मद अहमद खान मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा वकील था। शाह बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए साल 1980 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया और पति को 179 रुपए गुजारा भत्ते के तौर पर देने का आदेश दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में गुजारा भत्ते की राशि और बढ़ाने का आदेश दिया। तब भी तीन तलाक के खिलाफ खूब विरोध हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम संगठनों ने भी बवाल मचाया और केंद्र की सरकार पर दबाव बढ़ा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।